हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। काशी किचन में आपका स्वागत है। आज हम टाकोज बनाएंगे। देख लेते हैं बनाने की विधि। एक हम बर्तन ले लेंगे, उसमें हम एक कप आटा डाल देंगे, एक छोटी चम्मच नमक डाल देंगे, एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसको हम पूड़ी के आटा की तरह गूंथ लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर। देखिए आटा अच्छे से गूंथ लिए हैं। अब इसको हम ढककर रख देते हैं, आटा सेट हो रहा है। तब तक हम टाकोज का फिलिंग तैयार कर लेते हैं। पहले से हमने गैस पर कढ़ाई रखकर गरम कर लिए हैं। अब इसमें हम दो चम्मच तेल डाल देते हैं। अब इसमें हम दो हरा मिर्चें बारीक कटा हुआ डाल देंगे और अच्छे से इसको भून लेंगे। अब इसमें हम शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ राइस में डाल देंगे। इसमें बारीक कटा हुआ गाजर डाल देंगे, इसको भी हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे स्लाइस में कटा हुआ और अच्छे से हम 2 मिनट भूनेंगे, हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम एक छोटी चम्मच चिली सॉस डाल देंगे, एक छोटी चम्मच सोया सॉस डालेंगे और अच्छे से हम इसको मिला लेते हैं। देखिए अच्छे से मिल गया है और सब्जी भी हल्का सा भून गया है। अब गैस के फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम ठंडा होने देंगे। 2 बड़े साइज का आलू लिए थे, उसको हम मैश कर लिए हैं। अब उसमें हम एक छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि हरा सब्जी में भी नमक डाले हैं हम। अब एक छोटी चम्मच अदरक लहसुन और मिर्चा का पेस्ट डाल देंगे और अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम जो सब्जी भून कर रखे थे वो डाल देते हैं, डालकर और अच्छे से हम मिला लेते हैं। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अच्छे से सारे मसाले को मिला लेंगे हम। देखिए टाकोज के मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड रख लेते हैं। अब आटा को देख लेते हैं और आटा को अच्छे से मसल कर थोड़ा चिकना कर लेते हैं। अब इसमें हम छोटा छोटा लोई बना लेंगे। देखिए सारे आटे को लोई बना लिए हैं, इसको हम साइड कर लेते हैं और इसमें हम थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेते हैं। एक हम लोई लेंगे और इसको चिकना कर लेंगे और आटे में हम इसको कोट कर लेते हैं, बेल लेते हैं चपाती की तरह। देखिए पूड़ी की तरह न ज़्यादा मोटा और न ज़्यादा पतला बेल लिए हैं हम। अब ऐसा ढक्कन लेंगे, इसको हम काट लेते हैं। इसका चारों साइड से आटा हटा लेते हैं। ऐसे ही हम सारे चपाती को ऐसे बना लेते हैं। पहले से हमने गैस पर तवा रखे थे और तवा गर्म हो चुका है। अब इसको हम सेक लेते हैं, इसको हम बहुत हल्का सेकेंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं। देखिए दोनों साइड से ऐसे ही हम सेक लेते हैं, ऐसे ही हम सारे को सेक लेते हैं। एक हम प्लेट लेंगे, उस पर हम ये रोटी रखेंगे और इसमें हम सॉस लगाएंगे। अब इसमें हम जो फिलिंग बनाए थे वो रखेंगे। अब इसमें हम चीज़ डालेंगे। आप चीज़ जगह आप पनीर भी डाल सकते हैं और इसको हम ऐसे फोल्ड कर देंगे। ऐसे ही हम सारे टाकोज बना लेते हैं। सारे टाकोज को बना लिए, अब इसको हम कढ़ाई में सेक लेते हैं। पहले से कढ़ाई को गर्म कर लिए थे, अब इसमें हम घी डाल देते हैं 2 चम्मच। आप चाहें तो बटर भी डाल सकते हैं या रिफाइंड भी डाल सकते हैं। अब इसको हम घी को चारों साइड से अच्छे से फैला देते हैं और इसमें हम आराम से टाकोज को रख देते हैं। एक बार में जितना है उतना ही हम रखेंगे और दोनों साइड से
अच्छे से कुरकुरा होने तक सेक लेंगे मीडियम फ्लेम पर। अब इसको हम पलट लेते हैं। ये दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब इसको हम बीच से भी इसे सारा करके अच्छे से सेक लेते हैं। ऐसे ही हम सारे टैकोज को सेक लेते हैं। टैकोज बनकर तैयार हो गया है। अब इस पर हम चीज से गार्निश कर देते हैं। टैकोज बनकर तैयार हो गया है। बनाइए और खाइए। अपनी अनुभव काशी किचन में शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।